भारतीय संविधान के शिल्पी के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया सम्मान देती है। जब भी दुनिया में गरीबों की वंचितों की पीड़ित मानवता की बात आएगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लोग बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, एक विश्वास के साथ लेते हैं। याद करिए, आज से 131 वर्ष पहले जब मध्य प्रदेश की मऊ छावनी में उन्होंने जन्म लिया था, उस समय का वातावरण कैसा था? छुआछूत और अस्पृश्यता की भावना। एक बालक जब स्कूल गया होगा और उस समय उनके साथ स्कूल में भेदभाव हुआ होगा, क्लास में बैठने को लेकर के भेदभाव हुआ होगा, सहपाठियों के साथ उठने बैठने को लेकर के, खाने को लेकर के भेदभाव हुआ होगा, क्लास में भेदभाव हुआ होगा। सामान्य मनुष्य होता तो टूट सकता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामान्य नहीं, असामान्य थे। इसीलिए तो चुनौतियों से ही रास्ता निकाल करके स्वतंत्र भारत को एक संविधान दे गए, और संविधान में कहीं भी उन्होंने ये आंच नहीं आने दी कि उनके साथ कहीं कोई अन्याय हुआ है, कोई कहीं शोषण हुआ है, कहीं भी उनके साथ अत्याचार हुआ है, ये भी नहीं आने दिया। सकारात्मक सोच हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, नकारात्मकता किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को समेत सदैव पतन की ओर लेके जाती है, नीचे गिराती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यही एक सोच हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की महानता में निखार तब आती है जब वह चुनौतियों से अपना रास्ता बनाता है, संघर्षों से अपना रास्ता बनाता है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए जो अपना राह स्वयं बनाता है। यही तो महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि अप दीपो भव, अपना रास्ता स्वयं बनाओ, अपना दीपक स्वयं बनो, और उसी को अपने जीवन का मंत्र मान करके जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस राह को चुना। मैं विगत वर्ष भी आया था यहां पर और मैंने तब भी कहा था, अखंड भारत में उस समय दो ऐसे महापुरुष थे जो वंचितों और गरीबों की आवाज बने थे, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे और दूसरा उन्हीं के समकालीन थे जोगेंद्रनाथ मंडल। भाइयों बहनों, दोनों की कार्यपद्धति में पवित्रता का भाव था, दोनों गरीबों और वंचितों की लड़ाई को लड़ना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे, उनके लिए आवाज उठाते थे, संघर्ष करा चुना उन्होंने। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा कि मैं आदि और अंत तक मैं भारतीय हूं, वह भारतीयता उनके जीवन में, उनके मानस में सदैव बनी रही है। और भारतीयता का वह भाव ही है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रत्येक भारतीय के लिए और दुनिया के प्रत्येक पीड़ित वंचित मानवता के लिए पूज्य बना दिया। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम कितने लोग जानते हैं? याद रखना, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत में भारत के कानून मंत्री बने तो जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के कानून मंत्री बने थे। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल को मात्र तीन, यानी पाकिस्तान बनने के चौथे वर्ष में ही वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, भागना पड़ा था, और फिर भारत के अंदर गुमनाम जिंदगी जी करके एक जो भारत की आजादी के महानतम योद्धा बन करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समकक्ष ही सम्मान प्राप्त कर सकते थे, वे गुमनाम जीवन जीने के लिए मजबूर हुए थे। क्योंकि भारत के प्रति उनके दृष्टिकोण में बदलाव ने समाज को उन्हें
उस नकारात्मक दृष्टिकोण की सजा भी दे दी। कोई जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम नहीं जानता, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्वतंत्र भारत ने, देश का कोई राज्य नहीं और दुनिया का कोई बड़ा लोकतांत्रिक देश नहीं जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक न हो, उनके नाम पर संस्था न हो, उनके नाम पर स्कॉलरशिप न हो और उनके नाम पर कोई बड़े आयोजन न होते हो। हर एक जगह है, ये हमारा सौभाग्य है। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, कम ज्यादा मिला,